You color my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. Hello everyone, welcome back to the channel Dreamy. तो आज मैं एक मेकअप वाला लुक लेके आई हूँ आप लोग के सामने, और ये मेकअप वाला लुक बहुत ही अच्छा लगने वाला है आप लोगों को, क्योंकि ये मेकअप वाला लुक आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हो, और ये मेकअप वाला लुक आप डे में भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला मेकअप वाला लुक आप कर सकते हो डे में, और कहीं जा रहे हो घूमने तो ये मेकअप लुक बहुत एप्रोप्रिएट है, और ये मेकअप लुक करने से बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में एलिगेंट लगता है, और प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। चलो चलिए दिखाती हूँ मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया, और ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू आए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन। यू कैन फॉलो मी माई फेसबुक पेज जिसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ हर टाइम, और इंस्टाग्राम आई डी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आई डी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और तो चलिए मैंने ये मेकअप वाला लुक कैसे क्रिएट किया चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हे एवरीवन, तो देखिए मैंने मेकअप का जो जो सामान मुझे लगेगा वो मैंने ले लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, तो मॉइस्चराइज़र के लिए निविया का मॉइस्चराइज़र मुझे बेस्ट लगता है, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र लगा ले रही हूँ अच्छे से। इसके बाद लगा लूँगी मैं प्राइमर, और प्राइमर में यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का जो प्राइमर आता है वो, एकदम ही लिटिल बिट मैं यूज़ कर रही हूँ, एकदम थोड़ा सा, और तीजन एरिया पे, फोरहेड पे और चीक्स पे मैं दे रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का मेबलिन का फाउंडेशन, और फाउंडेशन में अच्छे से लगा रही हूँ। उसके बाद मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको सेट करूँगी, और फाउंडेशन मैंने नेक में भी लगा लिया है। और इसके बाद मैं लगा लूँगी कॉन्सीलर, और इधर पे मैं यूज़ कर रही हूँ NY का जो कॉन्सीलर आता है वो वाला कॉन्सीलर, और आई के ऊपर नीच मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ, और मैं बहुत ही इधर पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था मैंने, और नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाता ये वीडियो, तो अच्छे से मैं सेट कर ले रही हूँ कॉन्सीलर को। और कॉन्सीलर लगाने के बाद मैं लगा लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर, इधर पे मैं मेवलिन का जो कॉम्पैक्ट पाउडर आता है वो मैं यूज़ कर लूँगी अभी। और जो मेकअप लुक आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ये एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और ये मेकअप वाला लुक आप लोग जो बिगिनर्स हो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ एंड बोल भी दे रही हूँ। तो अभी मैं आई मेकअप करूँगी, तो इसके लिए देखिए ब्यूटी कैजल का जो आई शेडो पैलेट आता है वो मैंने ले लिया। अभी मैं देखिए वेट कलर का जो आई शेडो है उसको लगा ले रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, और ये देखिए दोनों आँख में मेरा हो गया है, और थोड़ा सा मैं ग्लिटर लगा ले रही हूँ, ग्लिटर लगाने से आई बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसके बाद मैं लगा ले रही हूँ काजल, और काजल लगाने के बाद मैं लगा लूँगी आई लाइनर, और देखिए मैंने आई लाइनर भी लगा लिया है। और इसके बाद तो अभी मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोरिंग पैलेट से, छोटा सा एक एक्स्ट्रा जो आता है वो वाला, और इससे बहुत अच्छा कॉन्टोरिंग होता है। तो अभी मैं लगा लूँगी देखिए ब्लश मैं इधर पे फेस कनाडा का जो अल्टीमेट प्रो फेस पैलेट आता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश के लिए, और इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, देखिए इधर पे मेबलिन का जो हाइलाइटर आता है ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है, मास्टर क्रोमिक और मेबलिन कंपनी का बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये, और देखिए मेरा हो गया है। अभी मैं लिप्स को अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी, और इसके बाद मैं पहनूँगी लिपस्टिक, और इसके बाद मुझे मस्कारा भी पहनना है, देखिए मस्कारा मैं पहन ले रही हूँ। तो ये मेकअप आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना, जो मेरे चैनल पे आज ही आए हो नहीं देख रहे हो मुझे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड कमेंट करके बताना ये मेकअप कैसा लगा आप लोगों को।
ये मेकअप वाला लुक आप लोगों को कैसा लगा? तो देखिए मैंने कैसे ये मेकअप किया आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, और थोड़ा सा मैंने आंखों में ग्लिटर लगाया जो आई शेडो पैलेट में रहता है, वो लगाने की वजह से बहुत ही आई जो है अट्रैक्टिव हो जाता है, तो मैंने इसलिए लगाया है। देखिए और कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ कॉमेंट करके बताना ना, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, और न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ।